रोमांटिक ड्रामा फिल्म राधे श्याम रिलीज होने से पहले ही बन चुकी है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, जहां फैंस ने अपनी नाराजगी जताई थी फिल्म के मेकर से कि वो फिल्म को अच्छे से प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना ही फिल्म से जुड़े कुछ अपडेट्स शेयर कर रहे हैं, तो वही लगता है कि फैंस के लिए सिर्फ प्रभास का नाम ही काफी है फिल्म को हिट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, कुछ सिटीज में फिल्म राधे श्याम की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है फॉर 11th of March, विच इज द रिलीजिंग डेट ऑफ द फिल्म, और ओपनिंग के साथ ही कुछ थिएटर्स हो चुके हैं सोल्ड आउट। जी हाँ, हैदराबाद में तो जहाँ 80% टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, तो वहीं बेंगलुरु में भी टिकट्स काफी जल्दी सेल हो रही हैं। फिलहाल तो अभी मेजर सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता में एडवांस बुकिंग्स होनी बाकी हैं। लव सागा राधे श्याम को 5 languages यानी तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा, जिसे इंडियन सिनेमा का दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस एक्शन और थ्रिल से भरी फिल्म में प्रभास के ऑपोजिट एक्ट्रेस पूजा हेगड़े नजर आएंगी, जो कि तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्म्स में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरती नजर आती हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में प्रभास ने बताया कि ये उनकी पहली लव स्टोरी फिल्म होगी जिसमें वो विक्रम आदित्य का रोल प्ले करेंगे, और साथ ही ये फिल्म इंडियन सिनेमा की फर्स्ट फिल्म होगी जहां 1970 के रेट्रो विजुअल्स दिखाए जाएंगे। लास्ट कुछ इयर्स में प्रभास की रिलीज हुई मूवीज जैसे बाहुबली, बाहुबली 2 या साहो सभी ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ी है, तो वहीं देखना ये होगा कि क्या प्रभास अपनी ही रिलीज होने वाली फिल्म राधे श्याम से सभी अपने लास्ट रिकॉर्ड्स ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। फॉर मोर सच बॉलीवुड अपडेट्स, कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।